विपक्ष के नए गठबंधन का नाम इंडिया रखते ही सियासत तेज हो गई। अटकलें तो ये भी हैं कि कहीं विपक्ष का इंडिया बीजेपी के एनडीए से आगे ना निकल जाए। दिल्ली में हुए एनडीए की बैठक में 36 से 38 दल पहुंचे थे, लेकिन फिर रौनक कहीं दूर दिखी। विपक्ष का जहां पूरा फोकस बीजेपी और मोदी पर है, तो वहीं मोदी भी विपक्ष पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटते। इस कड़ी में पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में अजीत सिंह समेत पुराने चेहरों को याद करते हुए भविष्य का नया मैसेज भी दे दिया। देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें सेवा करने का मौका मिला है और आप लिख के रखिए, यही लोग हैं। जब देश 100 साल की आजादी का पर्व मनाएगा, आप ही के परिश्रम से, आप ही के पुरुषार्थ से, आप ही के नेतृत्व से ये संभव होने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। बता दें, एनडीए की बैठक में अजीत सिंह का जिक्र चर्चाओं का विषय बन गया, क्योंकि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हैं। वो 18 जुलाई को विपक्ष की हुई बैठक में शामिल भी हुए थे। हालांकि सियासी गलियारों में जयंत चौधरी के पाला बदलने की खबरें भी सुर्खियों में थी। परिवार वाली राजनीति में ये बहुत मायने रखता है कि पिता का जिक्र कब कौन कैसे करता है। एनडीए की बैठक में चौधरी अजीत सिंह का जिक्र जयंत चौधरी के लिए पीएम मोदी के इमोशनल मैसेज से कम नहीं था। ऐसे में सियासत में नए कयासों का जन्म लेना तो लाजमी है। उधर रामविलास पासवान भी एनडीए के पुराने साथी थे। इस बैठक में पीएम मोदी ने उनका भी जिक्र किया और उनके बेटे चिराग पासवान पर भी जमकर स्नेह लुटाया, जिसकी तस्वीरें चर्चाओं का विषय बन गई। हालांकि पीएम मोदी का अजीत सिंह का जिक्र करना सियासत में एक बार फिर नए कयासों को जन्म दे रहा है। बता दें, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती काफी गहरी मानी जाती है। दो लोकसभा चुनाव हार चुके चौधरी अखिलेश यादव के समर्थन से ही राज्यसभा में है। विपक्ष की बैठक के दौरान भी जयंत चौधरी ने केवल अखिलेश और तेजस्वी के साथ वाली ही डेलीकेट पास की फोटो शेयर की। 2021 में अजीत सिंह के निधन के बाद से ही आरएलडी की कमान जयंत चौधरी के हाथों में है। पटना में विपक्ष की बैठक को स्किप करने के बाद जयंत चौधरी के नाम पर भी काफी कयास लगाए जाने लगे। हालांकि चौधरी ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होकर सभी कयासों को खत्म कर दिया। हालांकि जयंत भले ही राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन वो समय समय पर मोदी की तारीफ करते रहते हैं, जिस वजह से भी बीच बीच में जयंत के पाला बदलने की खबरें तेज होती रहती हैं। वही बात अगर जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह की करें, तो अजीत सिंह अपने समय में पूरी तरह से बीजेपी समर्थक नहीं थे। वो दल बदल कर सत्ता में बने रहते थे। इस कड़ी में वो पाला बदल कर 6 बार बगावत से चुनाव भी जीत चुके हैं। वही पश्चिमी यूपी में चौधरी परिवार का दबदबा माना जाता है। जयंत के दादा और पूर्व पीएम रह चुके चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे और उनकी पकड़ पश्चिमी यूपी में काफी मजबूत मानी जाती थी। अपने दादा की तरह ही जयंत भी पश्चिमी यूपी के वोट बैंक में काफी अहम माने जाते हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चाहती हैं कि चौधरी उनके खेमे में रहें। फिलहाल भले ही जयंत चौधरी विपक्षी खेमे में हो, लेकिन 2024 तक चौधरी किस पाले में रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।